तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम गोकू वर्सेस वेजिटा और ब्रोली वर्सेस वेजिटो की फाइट का एंड देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉलमी आर्ट ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो और ब्रोली एक बार फिर से अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ पड़ते हैं और तभी हम देखते हैं कि दोनों के पंचेस टकराते हैं और उनके पंचेस टकराने की वजह से इतनी ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है। तभी हम दो पंचेस को टकराते हुए देखते हैं। ये पंचेस पहले वाले पंचेस से अलग लग रहे होते हैं और इस बारी हम वेजिटो के दिमाग के अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटो की फाइट अभी जारी है। दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। गोकू और वेजिटो दोनों ही अपनी अल्ट्रा फॉर्म में होते हैं और तभी एकदम से गोकू हाँफता हुआ बोलता है, हम दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है वेजिटो, ये बहुत अजीब है। तभी एकदम से वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ और लग रहा था तो तुम बेवकूफ़ हो कैकरॉट, क्या तुम्हें ये लग रहा था कि तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहोगे, अब रियलिटी में लौट आओ, हम दोनों ही वेजिटो के आधे आधे भाग हैं और उसकी आधी ताकत मेरे पास है जिस तरीके से उसकी आधी ताकत तुम्हारे पास भी है। तभी एकदम से गोकू और वेजिटो जंप मार के एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। इसके बाद गोकू सीरियस होकर पूछता है, वेजिटो मुझे बताओ कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, हम अभी तक जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जिन डिस्ट्रॉयर्स ने हमारी फैमिली को हमसे दूर कर दिया उन सभी को हम ऑलरेडी मार चुके हैं, 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के सारे मेंबर्स, हमारे पास वो सब कुछ है जो कि हमें चाहिए जैनो को हराने के लिए, हमने कभी भी बीस को एब्जॉर्ब नहीं किया और जीरन को भी, तो मुझे बताओ कि हम ब्रोली को अगर छोड़ देते हैं तो वो अलग कैसे है। वेजिटो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें इसमें अंतर बताता हूँ कैकरॉट, मुझे पता है कि जीतने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है और तुम्हें इस बारे में नहीं पता, तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहने वाला एटीट्यूड इस बात को बदल नहीं देगा कि अब हमारी ताकत हमारे ओपोनेंट्स के आसपास भी नहीं है और जब भी हमारे सामने एक नया गॉड आता है तो हमारी ताकत उसके मुकाबले कुछ भी नहीं होती, चाहे वो 4th हो या फिर 5th या फिर प्रीस्ट ही क्यों ना हो, ये बात ऑलमोस्ट क्लियर है कि हम लोग या तो मारे जाएंगे या फिर सिर्फ बाल बाल ही बच पाएंगे। अगर हम 20 की ताकत को एब्जॉर्ब भी कर लेते तो उससे हमारी ताकत में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारा जिरेन द ग्रे, वो सच बताऊँ तो इन गॉड्स का एक और विक्टिम है, भले ही ब्रोली वो शख्स है जिसे हम पहले से जानते हैं पर अब वो भी इन कचरों में से ही एक है और सबसे बड़ी बात उसका इन्फिनिट पोटेंशियल, यही हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण बनेगा चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो गोकू पे अटैक करना शुरू कर देता है। वेजिटो बोलता है कि अब तुम्हारी नरमाई बहुत ज़्यादा हो गई, तुम ब्रोली से जितनी ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहो उतनी ज़्यादा माफ़ी मांगना, पर एक बारी बस उसकी एनर्जी हमारी हो जाए। गोकू जैसे ही वेजिटो को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखता है एकदम से ही वो हैरान रह जाता है। वेजिटो जाकर एकदम से ही गोकू को एक पंच मारता है पर तभी एकदम से गोकू अपने हाथ को आगे कर लेता है और वेजिटो का पंच बेकार हो जाता है। वेजिटो को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी एकदम से वेजिटो अपने दूसरे हाथ से गोकू को पंच मारता है पर तभी गोकू एकदम से ही इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही वेजिटो के पीछे आ जाता है और उसने अपने दोनों हाथों को मिला रखा होता है ताकि वो बहुत ही ज़बरदस्त पंच वेजिटो को मार सके, पर वेजिटो गोकू के ऐसा करने से पहले ही इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। वेजिटो एकदम से ही पीछे की तरफ मुड़ता है और उसके चेहरे पर काफ़ी इवल स्माइल होती है, वो बोलता है कि तुम्हें इससे कहीं गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम ब्रोली को बचाना चाहते हो कैकरॉट। गोकू एकदम से ही अपने दोनों हाथों को वेजिटो को मारता है पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और गोकू का पंच एकदम से ही ज़मीन से टकराता है। गोकू इसके बाद वेजिटो को आसमान में देखता है और वो काफ़ी हैरान था कि वेजिटो ने उसके अटैक को डॉज कैसे कर दिया और वेजिटो आसमान में हंस रहा होता है। वेजिटो हंसते हुए गोकू की तरफ नीचे देखता है और बोलता है कि भले ही हमारी ताकतें लड़ने के लिए बराबर हों पर हम दोनों की फाइटिंग एबिलिटीज़ बिल्कुल ही अलग हैं कैकरॉट, और इसमें हमारे टेक्निक्स की इफेक्टिवनेस भी शामिल है, जितना मुझे समझ आ रहा है इसको रिजॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने दोनों हाथों में अटैक चार्ज करने लग जाता है, उसके दोनों हाथ एकदम से एनर्जी से चमकने लग जाते हैं और इस चीज़ को देख के गोकू बिल्कुल हैरान रह जाता है। गोकू एकदम से कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या इसे रिजॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है, अगर वेजिटो ऐसा बोल रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। वेजिटो एकदम से ही अपना गैले गन का अटैक चार्ज करने लग जाता है
और वेजिटा को देखते ही गोकू भी अपना कामयाबिया बनाने लग जाता है। इसके बाद दोनों पावरफुल वॉरियर्स एक दूसरे पर अपने सबसे खतरनाक अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं। गोकू और वेजिटा इस वक्त अपनी लड़ाई खत्म करने के साथ साथ दुनिया की किस्मत का फैसला भी कर रहे हैं और इन दोनों की लड़ाई के खात्मे के साथ ही फैसला हो जाएगा कि वेजिटो आखिर क्या करने वाला है। गोकू एकदम से ही अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि लगता नहीं कि इससे कुछ डिसाइड होने वाला है, पर मुझे पता है कि किससे डिसाइड होगा। हम देखते हैं कि गोकू के चेहरे पर स्माइल थी और एकदम से ही वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वेजिटा के पीछे पहुंच जाता है। वेजिटा फिलहाल अपने अटैक को शूट करने में काफ़ी बिजी था और एकदम से वो भी समझ नहीं पाया होता। जैसे ही वेजिटा को समझ आता है कि गोकू उसके पीछे है, वो एकदम से पीछे मुड़के देखता है और बोलता है, तुम डरपोक कहीं के। हम देखते हैं कि वेजिटा भी एकदम से ही गोकू की तरफ मुड़ता है ताकि वो गोकू के अटैक को रोक सके और एकदम से ही हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक दूसरे के हाथों को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को पुश करना शुरू कर देते हैं। दोनों के चेहरे पर ही गुस्सा साफ है। तभी एकदम से लड़ाई के बीच में गोकू वेजिटा पर चिल्लाता है और बोलता है, वेजिटा तुम अभी तक बदले नहीं हो, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, सेल्फिश और हमेशा ही सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए पागल हो तुम, और उस ताकत को पाने के लिए भले ही तुम्हें कुछ भी करना पड़े, जैसा कि तुमने बाबड़ी के साथ भी किया था। तुम ये बात भी भूल चुके हो कि आखिर हम ये कर किस लिए रहे हैं। हम अपने बदले को पहले ही पूरा कर चुके हैं और अपने दोस्तों के सम्मान को ला चुके हैं। अब हमें वापसी का सोचना चाहिए। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें उसका सामना करना है जो हमारे सामने आएगा, वो भी सिर्फ अपनी ताकत से, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। हमें ब्रोली को चोट पहुँचाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ब्रोली अब हमारा टारगेट नहीं है। एकदम से ही वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है। वो बोलता है, चुप हो जाओ। हम इसके बाद वेजिटा के चेहरे को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके आंसू आ रहे हैं। वो बोलता है कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, तुम सेल्फिश हो कैकरॉट। वो तुम हो जो हमेशा ही अपने आइडियल्स के बारे में सोचते हो और हमेशा ही मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँ। तुम हो जो कि भूल चुके हो कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों ये सभी गॉड्स सारे के सारे एक जैसे हैं। ये हमें इस तरीके से देखते हैं और हमारे सभी दोस्तों को भी इसी तरीके से देखते हैं, जैसे कि हम कोई कचरा हों जिनका ये जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में फेंक सकते हैं। और हर बारी जब हम एक नए गॉड का सामना करते हैं, उन सभी गॉड्स ने हमारे को हमारी नई हाइट्स तक पुश किया है। हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं और यही रीज़न है कि हम आज तक जिंदा हैं। पर अब मैं इस चीज़ पर और ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकता। हमें सिर्फ ब्रोली की ही एबिलिटीज़ की ज़रूरत है। इनकी हमें हमेशा से ही ज़रूरत थी, असली लेजेंडरी सैयन की नेचुरल एबिलिटीज़। और इसके लिए अगर उसे हमारी फाइट में जोड़ने की ज़रूरत है, एक पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि वो खड़ा रहा जब मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, तो मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सभी को वापस ला कर रहूँगा कैकरॉट। मैं अपनी बुलमा को वापस ला कर रहूँगा। और ये बोलते बोलते वेजिटा की आंखों में आंसू होते हैं, जिससे ये बात क्लियर है कि वेजिटा इस चीज़ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। जैसे ही वेजिटा गोकू को ये बात बोलता है, एकदम से ही उसके अंदर गुस्सा फटता है। अचानक से ही उसके अंदर बदलाव आने लग जाते हैं। उसके अंदर एक अजीब सी डार्कनेस आज़ाद हो जाती है। अचानक से ही उसके अंदर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ईवल लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि किसी तरीके की डार्कनेस ने उस पर कब्जा पा लिया है। इसके बाद हम वेजिटा के चेहरे को नज़दीक से देखते हैं। अचानक से ही उसके सर के अंदर से दो सींग निकलने लग जाते हैं। वेजिटा की आंखें बिल्कुल वाइट हो जाती हैं, जो कि शायद वेजिटा की डेविल ट्रांसफॉर्मेशन का एक साइन है। आखिर वेजिटा अब कोकू के साथ क्या करेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय करी है तो नीचे कमेंट कीजिए, डीमन वेजिटा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।